आदर्श मध्य विद्यालय सुपौल में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से नव नियुक्त शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान, एरियर का भुगतान, शेष बचे नव प्रशिक्षित एरियर का भुगतान सहित विद्यालय के पठन पाठन की स्थिति पर चर्चा व सुधार की दिशा में ठोस पहल पर चर्चा की गई। दौरान निर्णय लिया गया कि इन मांगों पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा समय पर ठोस पहल नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। शिक्षक जिनका 2 साल से वेतन बाधित है, माननीय पटना हाईकोर्ट का आदेश है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का आदेश है, बावजूद जिला के विभागीय पदाधिकारी इन लोगों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच ऐसे शिक्षक हैं, कपिल राम शिक्षक हैं, कहाँ गए कपिल राम जी, रमेश कुमार रमन, 65 महीना से इनका वेतन बाधित है, 65 महीना से वेतन बाधित है, कहीं कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। विभागीय शिक्षा विभाग के अधिकारी, चाहे वो DO कार्यालय के अधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, इनकी वजह से 65 महीना का वेतन बाधित है। नवनियुक्त शिक्षक जिनका बहाली हुआ है, सरकार ने पत्र जारी किया, एक माह पूर्व पत्र जारी किया है कि इन लोगों का वेतन भुगतान करिए, लेकिन अभी तक जो नवनियुक्त शिक्षक बहाल हुए हैं उनके वेतन भुगतान की दिशा में जिला शिक्षा कार्यालय की दिशा से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से, बिहार पंचायत तकर प्रारंभिक शिक्षक संघ आज इस बैठक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के पदाधिकारी को साफ साफ चेताना चाहते हैं कि अविलंब तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतन भुगतान हो, चाहे नवनियुक्त शिक्षक का वेतन भुगतान हो, चाहे कपिल राम जैसे शिक्षक का वेतन भुगतान हो, इन तमाम शिक्षकों का वेतन भुगतान 1 सप्ताह के अंतर्गत नहीं किया गया तो पूरे जिला में बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग धरना करेंगे, अनशन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अप्रशिक्षित शिक्षक जिनका 2 साल से